गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, लास्ट क्लास में कहाँ तक हो गया है बताओ। अल्डिहाइड वाला हो गया ना? यस, अल्डिहाइड वाला हो गया, अल्डिहाइड हो गया ना। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अल्डिहाइड के सवाल करवा दिया है। बिल्कुल, अल्डिहाइड के सवाल कर लिया आप लोगों ने, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले के सारे सवाल देखो आप लोगों ने कर लिया है, चेक करके देखो एक बार, कर लिया है। चलिए, ये सारे सवाल कर लिया एल्डिहाइड के, है ना। चलिए, मैं ग्रुप पे पीपीटी डाल देता हूँ आज, किसी को दिक्कत होगा तो देख लीजिएगा, है ना। किसी को दिक्कत होगा तो देख लेंगे। मैं पीपीटी डाल देता हूँ, और एक बच्चे ने नोट्स मांगा था तो पीपीटी डाल देता हूँ बेटा, उसको फॉलो कर लेना। और पीपीटी से ज़्यादा सवाल करवाया हूँ तो किसी बच्चे से नोट्स लेकर के आप सवाल देख सकते हैं। बाकी मैं पीपीटी डाल दूंगा और बुक भी डाल देता हूँ। चलो, यस, ओके। अल्डिहाइड, अल्डिहाइड में कितने करा दिया, सफिशियंट सवाल है। ठीक, चलो अभी देखो इसका नेम लिखना है। ये जो मॉलिक्यूल्स दे रखा है ना, इसका नेम लिखना है क्वेश्चन नंबर 4 का। बताओ क्या होगा नेम? नेम मत बताओ, आप ये बताओ प्रिंसिपल चेन क्या होगा। बताओ नेम, और नेम क्या होगा, प्रिंसिपल चेन क्या होगा, ये बताइए। प्रिंसिपल चेन क्या होगा, प्रिंसिपल चेन क्या होगा इसके लिए, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए प्रिंसिपल चेन बताइए। एसी करेक्ट है, एसी होगा, बिल्कुल सही है, एसी होगा। क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोजैलिक एसिड, और कार्बोजैलिक एसिड आपको यहाँ दिख रहा है, तो ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है। नंबरिंग करेंगे कहाँ से करेंगे, आप नंबरिंग इधर से भी कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो आप किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हो। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब इस वाले का देखिए क्या आ जाएगा, ये 1-2-। अभी देखो ये जो अल्डिहाइड ग्रुप है, तो हमने क्या बोला था, अल्डिहाइड अगर प्रिंसिपल चेन में डायरेक्टली अटैच है तो उसका कार्बन काउंट होता है, बट ये प्रिंसिपल चेन में डायरेक्टली अटैच नहीं है, प्रिंसिपल चेन में डायरेक्टली अटैच नहीं है तो फिर इसका कार्बन काउंट नहीं होगा। तो अब यहाँ पर इसका कार्बन काउंट नहीं होगा, और जो नेम लिखेंगे इसके लिए, तो ऐसे कंडीशन में अल्डिहाइड के लिए जो यूज किया जाता है प्रीफिक्स, दैट इज फॉर्माइल। तो अब इसका नेम लिखो, इस कॉम्प्लेक्स पार्ट का आप नेम लिखिए। तो इस कॉम्प्लेक्स पार्ट का जब आप नेम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो 4 पर ये कॉम्प्लेक्स आ रखा है, और यहाँ पर 2- ऑक्सो नहीं लिखेंगे अब इसके लिए, क्या लिखेंगे, फॉर्माइल लिखेंगे। ऑक्सो नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फॉर्माइल लिखेंगे। और कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, उसके बाद तो क्या आ जाएगा, इथाइल आ जाएगा, ब्रैकेट बंद। अभी फिर पूरा नेम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, सब्स्टिट्यूशन 4 2- फॉर्माइल इथाइल, फिर 7 कार्बन है तो क्या आ जाएगा आपके पास, हेप्टेन 1.7 डाई ओइक एसिड। बताओ क्लियर है, बताइए क्लियर है। क्लियर है सभी को? तो फॉर्माइल कब यूज होता है, ऑक्सो कब यूज होता है, याद करो कल क्लास में दिखाया था, ऑक्सो कब यूज हुआ था, जब इसका कार्बन प्रिंसिपल चेन में काउंट हो जाता है। तो ऑक्सो कब काउंट होगा, जब प्रिंसिपल चेन में डायरेक्टली अटैच हो जाए, प्रिंसिपल चेन के किसी एंड पे अगर ये अवेलेबल रहेगा
तो फिर ये काउंट हो जाएगा, पर अगर प्रिंसिपल चेन के एंड में नहीं है, बीच में कहीं अटैच है, तो फिर ये काउंट नहीं होता। क्लियर है? फिर ऐसे कंडीशन में ये काउंट नहीं होता। सभी को क्लियर है? चलो अभी अमाइट का क्वेश्चन नंबर वन दे रखा है, अमाइट का क्वेश्चन नंबर वन दे रखा है, ये कर सकते हो। बताओ अमाइट के लिए प्रेफिक्स एंड सफिक्स क्या होता है? तो अमाइट के लिए प्रेफिक्स बताइए, प्रेफिक्स क्या होता है? कार्बेमोइल। और सफिक्स क्या होता है? अमाइड ही सफिक्स होता है। तो इसका नेम लिखेंगे तो मेन फंक्शनल ग्रुप अमाइड है, तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। नेम क्या आ जाएगा? 5 क्लोरो 5 क्लोरो। फिर कितने कार्बन आ गए? 5 कार्बन 6 कार्बन है, तो क्या आ जाएगा आपके पास? हेक्स, फिर 3 इन 1 अमाइड। बताइए क्वेश्चन नंबर वन क्लियर है अमाइड का? क्वेश्चन नंबर वन क्लियर है अमाइड का? क्वेश्चन नंबर वन क्लियर है अमाइड का? अमाइड का क्वेश्चन नंबर वन क्लियर है? अमाइड का क्वेश्चन नंबर वन क्लियर है या नहीं, ये बताओ। क्लियर है सभी को? चलिए जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से नोट कीजिए। ओके ओके, नोट कर लो, नोट कर लो। हो गए, नोट कर लिया, नोट कर लिया है। चलिए नेक्स्ट पे आइए। अब ये सवाल है आपको करने हैं, कर पाएंगे क्या? कर लोगे ये सवाल? चलो करके बताओ ये सवाल। आसान सवाल है, वैसे कुछ भी नहीं है सवाल में, एकदम आसान सवाल है।
सर आपने जो कल क्वेश्चन कराए थे उसमें से एक प्रिंसिपल चेन ड्रॉ करके दिखाओ ना, कौन सा वाला सवाल? वो थोड़ा टफ जाता है नेमिंग में, कौन सा वाला सवाल? कल तो मैंने ये सारे सवाल कराए, ये वाले सवाल कराए। सवाल बताओगे तब तो फिर मैं बता पाऊंगा किस सवाल के बारे में तुम बोल रहे हो। प्रिंसिपल चेन तो एकदम आसान सा होता है ना, सेकेंड वाले में प्रिंसिपल चेन निकालना है। हाँ ठीक है, देखो इसी वक्त टाइम में देखो सेकेंड वाले में ना, देखो सेकेंड वाले में देखो, देखो नहीं समझा ड्रॉ कैसे करके, नहीं समझा मैं ड्रॉ करके मतलब नहीं समझा। थोड़ा टफ जाता है नवे में, ठीक सेकेंड। ड्रॉ करके बताओ का मतलब नहीं समझा मैं। बॉन्ड लाइन डायग्राम में, बॉन्ड लाइन डायग्राम में बताना है। ठीक, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर एच, दो पे है यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, और थर्ड पे आ गया आपके पास तीन कार्बन। ठीक, इस टाइप में ओमकार इस टाइप में पूछ रहे हो। हाँ ठीक है ना, इस टाइप में है। हमें क्या ढूंढना है, सबसे पहला काम है हमारा प्रिंसिपल चेन को ढूंढना, सॉरी प्रिंसिपल चेन कहता हूँ, फंक्शनल ग्रुप को ढूंढना, मेन फंक्शनल ग्रुप को ढूंढना। अल्डिहाइड हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो प्रिंसिपल चेन का फर्स्ट रूल क्या कहता था, चेन विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप। तो मैं देखू 1 2 3 4 5, तो यहां से यहां पे चला तो पांच क्या आ गया हमारे पास, कार्बन है तो इसमें दोनों मेन फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं। अगर मैं यहां से लेकर के यहां तक चलता तो फिर इसका कार्बन काउंट नहीं होता, अगर इसका कार्बन काउंट नहीं होगा तो फिर हम इसको मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, हमें क्या ट्रीट करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन को ट्रीट करना पड़ेगा, है ना। मगर यहाँ पे सेम टाइप के ग्रुप है तो ये सब्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा, तो हमको क्या चाहिए, मेन फंक्शनल ग्रुप चाहिए। तो आपको बता रखा है जो डॉन ग्रुप के कार्बन है, डॉन ग्रुप के फंक्शनल ग्रुप है, अगर उसका कार्बन प्रिंसिपल चेन में काउंट होगा तभी वो मेन फंक्शनल ग्रुप है, अदरवाइज नहीं है। तो मेन फंक्शनल ग्रुप ये है तो उसके लिए क्या होगा, 1 2 3 4 5, तो ये पांच का चेन हो गया, इसी चेन में क्या हो गया मैक्सिमम नंबर ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप है, दो फंक्शनल ग्रुप है। यहां से यहां पे चलेंगे तो फिर एक हो जाएगा, यहां से यहां पर चलेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो पहला रूल क्या कहता है, द चेन विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप, उसके अकॉर्डिंग कौन सा चेन आ जाएगा, यहां से लेकर के यहां तक प्रिंसिपल चेन आ जाएगा। अभी क्लियर है या और कुछ डाउट है तो बताओ, अभी क्लियर है या और कुछ डाउट है? क्लियर है, चलो क्वेश्चन नंबर टू जल्दी से करके बताओ, क्वेश्चन नंबर टू जल्दी से करो, क्वेश्चन नंबर टू भी कर सकते हो, थ्री भी कर सकते हो, करो जल्दी से।
अरे हो गए, बताओ हो गए। क्वेश्चन नंबर टू हो गया। थर्ड नहीं हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, थर्ड मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड हो गए सभी से, बताइए सेकेंड हो गए सभी से। चलो हो गए हो गए। आ जाइए, चलिए देखिए इस वाले में मेन फंक्शनल ग्रुप बताओ कौन सा है। यहां पर मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? बताओ मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। ए टू बी फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोजैलिक एसिड है ना? करेक्ट। तो प्रिंसिपल चेन क्या होगा? ए टू बी हो जाएगा, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। बताओ इस कार्बन को काउंट करेंगे क्या? इस कार्बन को 7 देंगे या नहीं? इस कार्बन को 7 देंगे या नहीं? नहीं देंगे, क्योंकि ये क्या हो गए, ये सभी अब प्रिफिक्स हो गए, ये बस सफिक्स है हमारा है ना, बाकी सभी प्रीफिक्स हो गए। तो अब नेम लिखना, इसके लिए नेम क्या लिखोगे? वन डैश। इसका नेमिंग नहीं करनी है, तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग यहां पर वन डैश कार्बे मॉयल एंड इथाइल, वन डैश कार्बे मॉयल इथाइल, ये तो हो गया इसके लिए नेम। और ब्रैकेट के अंदर कहां पे अटैच है ये, कहां पे अटैच है ये, तो ये टू पे अटैच है, तो टू आ गए। अब नेम लिखना चालू कीजिए। तो एक सब्स्टिट्यूशन ये हो गया, दूसरा सब्स्टिट्यूशन ये हो गया। तो सबसे पहले नेम में क्या आ जाएगा? 6 कार्बेमोइल, कार्बे मोइल, 6 कार्बेमोइल, फिर 2 1 डैश कार्बे मोइल इथाइल हेक्सेन नोइक एसिड। वन हटा दिया है, वन चाहे तो रख भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। एक से नोइक एसिड, क्लियर है सभी का? एक सेकेंड, मिथाइल ही लेंगे? ओहो सॉरी सॉरी, ठीक, मिथाइल नहीं, इथाइल नहीं लेंगे, मिथाइल लेंगे। एक एक ही कार्बन है, दो कार्बन नहीं है, ये कार्बन काउंट नहीं होता। इथाइल लें, मिथाइल लेंगे, करेक्ट है? आप करेक्ट है, मैं गलत हूँ, आप लोग करेक्ट हैं। कार्बेमाइल मिथाइल होगा, इथाइल नहीं होगा, मिथाइल होगा, बिल्कुल करेक्ट है। आप करेक्ट हैं, मैं गलत हूँ। हाँ मिथाइल के बाद ब्रैकेट भी रहेगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए बात, तुम लोग तो मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए, अच्छी बात है ये। तब तो तुम लोग आओगे तो पार्टी दोगे फिर, बताओ ऑफलाइन जब चालू होगी तो पार्टी दोगे ना, इतने इंटेलिजेंट हो गए हो तुम लोग। अरे नहीं दोगे? हाँ ये अच्छी बात है, पार्टी देना चाहिए। इसी तरह तुम क्लास आए हो, इसी तरह तुम क्लास आई हो? नहीं है आज वो, अच्छा आए हैं, हड्डी होगी हमारी, बिल्कुल पार्टी तो होनी चाहिए। पार्टी तो तब ना होगी जब लॉकडाउन खत्म होगा, जब दुकानें खुलेंगी, जब बच्चे आएंगे, जब हम एकेडमी जाएंगे। कोरोना को देख के लगता नहीं कि ऐसा मुमकिन है ना?
आप मत देना हम भी देंगे। अरे कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे भी नहीं देता हूं। चलो आगे बढ़ते हैं, इस वाले पेज के लिए आ जाए। तो यहां पर मुझे ये बताओ कि मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। पहले ये बताओ कि यहां पर मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। यहाँ पर मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? फॉर्माइल। फॉर्माइल इज यूज फॉर अल्डिहाइड ना, अल्डिहाइड है यहाँ पे। बताओ कौन सा है, आराम से देखो। पहले सर्कल करो, जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसको सर्कल करो, फिर डिसाइड करो ना कौन सा ग्रुप है ये। चलो मैं ऑप्शन देता हूं, आप लोग को आंसर करने हैं। बताइए, मोर देन वन करेक्ट भी हो सकता है। बताइए कौन सा होगा। टू एंड थ्री। अमाइन। पार्थ फोर। अमाइड। अमाइन। देखो करेक्ट है फोर, जिन लोगों ने कहा वो करेक्ट है। सी डबल बॉन्ड ओ, और उसके बगल में अगर नाइट्रोजन आ जाए तो ये ग्रुप क्या होता है हमारा, अमाइड होता है। फिर चाहे इधर कुछ भी रहे, ये वैलेंसी पे कुछ रहे, इस पे कुछ भी रहे, मगर ये पोर्शन को क्या कहते हैं हम लोग, अमाइड बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं करेंगे, अक्सर बच्चे इसको अल्डिहाइड अमाइन कहते हैं, बट वो गलत है ना। डबल बॉन्डेड कार्बन से, डबल बॉन्डेड नहीं मतलब कार्बन हैविंग डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन, इसको कार्बोनाइल कार्बन कहते हैं हम लोग, है ना। आगे पढ़ेंगे हम लोग, अगर इससे NH2 ग्रुप अटैच हो या N ग्रुप अटैच हो, नॉट ओनली NH2, N ग्रुप अटैच हो तो उसको अमाइड कहेंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना इसके लिए। चलिए तो यहां पर क्या, हमारे पास अमाइड एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप है। अब दो पार्ट है ना इधर, एक ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन। याद रखिए 5 क्यों नहीं, 5 क्या था, कार्बोजैलिक एसिड था ना। 5 5 क्या लिखा था, अरे कार्बोजैलिक एसिड क्या होता है, सीड, तुम लोग को पहले ही बताया हमने, डबल बॉन्ड ओ एच, देन इट इज कार्बोजैलिक। सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, देन इट इज अल्डेहाइड। फिर सी डबल बॉन्ड ओ एन आर, देन इट इज कीटोन। सी डबल बॉन्ड ओ एन आर, देन इट इज एस्टर। एन सी डबल बॉन्ड ओ एन एन, नाइट्रोजन के साथ बाकी कोई वैलेंसी हो जाए तो अमाइड बोलते हैं। क्लियर है, बात क्लियर है ना। आर क्या रिप्रेजेंट करता है, पहले क्लास में बताया था हमने कि देखो ये आर हम लोग बार बार यूज करेंगे। इट इज अल्काइल चेन। अल्काइल चेन का मतलब है कोई भी कार्बन जहां एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए, जैसे CH3 मिथाइल, C2H5 इथाइल, C3H7 प्रोपाइल, दीज आर द अल्काइल चेन।
आपने 13 फंक्शनल ग्रुप बताए हैं। हाँ 13 ही होते हैं, इसमें क्या हो गया? ओमकार मैं नहीं समझा क्या कहना चाह रहे हो। 13 फंक्शनल ग्रुप बताए हैं तो 13 ही होते हैं ना। लास्ट में हम लोग डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड को काउंट करते हैं, बस काउंट करते हैं, मगर ये क्या है, अल्कीन में आता है, ये सफिक्स में आता है। इतना अरे मुझे तो याद है, बताओ मुझे बता रहे हो, अब क्या फायदा मुझे बता करके, मैं तो नीट का पेपर दे ही नहीं पाऊंगा। जे मेंस वाले मुझे अलाउ ही नहीं करेंगे, एडवांस वाले बोल देंगे भाई एक बार तो पढ़ा दिया, कितनी बार पढ़ाऊं। आपने दिया है स्टार्टिंग में, ओ भगवान मुझे पता नहीं क्या क्या बता रहे हो तुम लोग। चलो ठीक है, अल्काइल समझ गए। हाँ जाने दो जाने दो, पार्थ तुम्हारा अल्काइल समझ गए, तुम क्लियर है। चलो आओ इधर आओ इधर आओ, इधर इधर ध्यान दो। तो दो चेन है, एक चेन ये वाला है और एक चेन ये वाला है। तो हमेशा याद रखें कि अगर टर्मिनेटिंग ग्रुप है ना, तो टर्मिनेटिंग ग्रुप का कार्बन जिस तरफ अटैच हो, जिस चेन में अटैच हो, वही प्रिंसिपल चेन होगा। तो चाहे इसमें कितना भी इलोंगेटेड चेन रहता नहीं होता, ये जिसमें अटैच है उसी में होता, जब तक कि कोई इससे हायर प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप ना आ जाए, है ना। तो अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो अगर डॉन ग्रुप एज ए मेन फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल है, तो उसका कार्बन जिस चेन से अटैच होगा वही प्रिंसिपल चेन होगा। तो ये प्रिंसिपल चेन हो गए, 1 2 3 एंड 4 आ गया। तो नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एन मिथाइल, क्या लिख देंगे, एन पे है ना, तो एन मिथाइल, फिर क्या आ जाएगा आपके पास, ब्यूटेनोइक एसिड। बताओ क्लियर है? चलो आगे बढ़ा जाए। अरे भगवान, तनिष्क, हाँ तनिष्क क्या पूछ रहे हो सर, ओइक एसिड का मतलब नहीं समझा बेटा, क्या पूछ रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो, किस सवाल के लिए कर। अरे सही 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 लिखा, मुझे क्या हुआ, मैं इतना गलत क्यों लिख रहा हूँ आज। एन मिथाइल, ये स्मॉल में होगा, ब्यू टेन वन अमाइड होगा, ब्यूटेन वन अमाइड, करेक्ट है तनिष, तुम सही हो। पता नहीं मुझे क्या हुआ आज, मैं बार बार गलत कर रहा हूँ। चलो थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, ठीक हो जाएगा। आज सैटरडे तो नहीं है ना, आज सैटरडे है क्या? नहीं, फिर भी कितनों क्यों माइंड डिस्टर्ब है इतना, पता नहीं। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फ्राइडे है, पता नहीं, फ्राइडे को तो ठीक रहना चाहिए इसको, चलो हो जाता कभी कभी। ठीक है नेक्स्ट सवाल पे आता हूँ। तो अमाइड वाले सवाल हो गए, समझ गए अमाइड वाले सवाल, कर लोगे। चलो एक और सवाल कर ही लो फिर। सी डबल बॉन्ड ओ, चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ, टाइम ज्यादा नहीं है। जल्दी से बताओ क्या होगा।
ठहरो ठहरो ठहरो, मैंने फिर से सवाल गलत कर दिए हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन लिखा ही नहीं और आगे बढ़ा दिया। उफ, अब करो। अरे हो गए, सॉल्व हो गया। यस, चलो देखो मैं लिखता हूं। प्रिंसिपल चेन फाइंड आउट करने हैं ना, तो क्या बताया है, जिधर मेन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन अटैच होगा वो चेन क्या होगा हमारा, प्रिंसिपल चेन होगा। तो मेन फंक्शनल ग्रुप हमारा ये वाला है। एक सेकेंड, चलो तो मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा हमारा, ये वाला हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अमाइड है। दूसरा देखा जाए, प्रिंसिपल चेन ढूंढने हैं, प्रिंसिपल चेन ढूंढने हैं, कौन सा साइड प्रिंसिपल चेन होगा, तो जिधर उसका कार्बन अटैच होगा उस पोर्शन में प्रिंसिपल चेन होंगे। तो देखिए यहां पर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 प्रिंसिपल चेन हो गए। ये उसका ब्रांच और ये इसका ब्रांच चेन। अब नेम लिखने हैं, नेम लिखने हैं तो कैसे लिखोगे, तो देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इन सभी को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर करेंगे। यहाँ पे एन प्रोपाइल, यहाँ पर एन इथाइल और 4 ब्रोमो, तो कौन पहले आएगा, 4 ब्रोमो आएगा। फिर क्या आ जाएगा, एन इथाइल आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा आपके पास, एन प्रोपाइल आ जाएगा, एन प्रोपाइल आ जाएगा। अभी कितने कार्बन है, 6 कार्बन है ना, तो आप क्या लिखेंगे, हेक्स 2-in-1-amide। बताओ क्लियर है सभी को, ये सभी का सही है, ये किसी का गलत है तो बताइए, किसी का गलत है, कुछ डाउट है तो बताइए, किसी का गलत है, कुछ डाउट है तो बताइए। करेक्ट है, बहुत अच्छे।
गुड गुड। नहीं नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते ना बेटा, दोनों अलग अलग सब्टिट्यूशन है ना, तो नहीं लिख सकते उसको इस टाइप से, एन एन करके नहीं लिख सकते, हमें एक साथ लिखना पड़ेगा, एक से सॉरी एक साथ नहीं लिख सकते, अलग अलग लिखना पड़ेगा, एन प्रोपाइल और एन इथाइल, और एन स्मॉल नहीं लिखना, एन स्मॉल का मतलब तो न्यूमेरिक वैल्यू हो गई ना, तो एन जो हमारा वहां पर है कैपिटल एन का मतलब नाइट्रोजन है ना, दैट इज इंडिकेटिंग अ एलिमेंट, अल्फाबेट नहीं इंडिकेट कर रहा, वो एलिमेंट इंडिकेट कर रहा है, समझ गए, तो स्मॉल एन नहीं लिखेंगे, कैपिटल एन लिखेंगे। अच्छा कोई बात नहीं, नहीं उसे नहीं लिखना है, अलग अलग लिखेंगे, चलो बहुत अच्छे, गुड, आगे बढ़ा जाए फिर, नेक्स्ट आते हैं एस्टर पे, चलो एस्टर पे आओ, एस्टर के लिए एक नोमेनक्लेचर सिस्टम ही अलग सा सिस्टम होता है, एस्टर के लिए नोमेनक्लेचर सिस्टम बिल्कुल ही अलग नोमेनक्लेचर सिस्टम है, बिल्कुल ही अलग नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट होता है, क्या डिफरेंस है, तो आप जब एस्टर को देखेंगे ना, तो एस्टर का ये पोर्शन है, यहां पर एच होता तो कार्बोजैलिक एसिड होता, और एच को छोड़कर कोई अल्काइल चेन आ जाए, कार्बन आ जाए, तो क्या बोलेंगे, एस्टर बोलेंगे इसको, है ना, तो जब भी एस्टर एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल हो, एस्टर एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल हो, तो ऑक्सीजन से जो अटैच पार्ट है, देखो ये तो प्रिंसिपल चेन नहीं होगा, क्योंकि ये डॉन मतलब टर्मिनेटिंग ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप है, और टर्मिनेटिंग ग्रुप के फंक्शनल ग्रुप में प्रिंसिपल चेन किस साइड होता है, जिधर कार्बन होता है, मतलब ये हमारा प्रिंसिपल चेन होगा, तो ये अलग सा सब्स्टिट्यूशन होगा, मगर इसकी खासियत क्या है, जब भी हम नेम लिखते हैं तो सबसे पहले इस सब्स्टिट्यूशन को लिखा जाता है, देखो क्या लिखा, अल्काइल, तो जब भी आपको नेम लिखना है तो ऑक्सीजन से अटैच जो भी सब्स्टिट्यूशन है उसको सबसे पहले लिखेंगे, उसको कोई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं अरेंज करने हैं, उसको इस सफिक्स के कैटेगरी में नहीं रखेंगे, सफिक्स से बिल्कुल ही अलग लिखा है इसको, तो सबसे पहले इसको लिख देंगे, फिर बाकी नोमेनक्लेचर होता है, देखो ये हमारा नोमेनक्लेचर का पार्ट है, पूरा नेमिंग का पार्ट है ना, मगर एस्टर का नेमिंग करेंगे तो एक एडिशनल क्या ऐड हुआ, अल्काइल ऐड हुआ, अल्काइल कौन सा हो गया, जो ऑक्सीजन से अटैच कार्बन चेन है उसको क्या बोल रहे हैं, अल्काइल चेन बोल रहे हैं, तो एस्टर का जब भी नोमेनक्लेचर करेंगे तो अल्काइल को सबसे पहले लिख दीजिएगा, उसके बाद बचे हुए जितने भी पार्ट हैं उसका फिर से नेमिंग करेंगे, है ना, बचे हुए पार्ट का अपना अलग से नेमिंग हो जाएगा, अल्काइल को हमें पहले लिखना है, तो ये देखिए ये नॉर्मल नोमेनक्लेचर है जो हमने पढ़ा है, ये वो नोमेनक्लेचर है, अल्काइल को क्या रखा है, इससे बिल्कुल सेपरेट रखा है, तो सबसे पहला काम करेंगे अल्काइल लिखेंगे, फिर बाकी नोमेनक्लेचर नेमिंग का काम करेंगे, जैसे यहां पर देखो एक कार्बन है ना, तो एक कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, मिथाइल आ जाएगा, तो मैं सबसे पहले क्या लिख दूं, मिथाइल लिख देता हूं, सबसे पहले मिथाइल, अभी जब नेम लिखेंगे तो एक दो तीन कार्बन है, तीन कार्बन है तो क्या लिखेंगे हम लोग यहां पर, प्रो पेन, आज इसका प्रेफिक्स बताओ, सफिक्स बताओ क्या होता है, सफिक्स क्या होता है इसका, ओ ए टी, ओएट होता है, सफिक्स ओएट होता है, और प्रेफिक्स क्या होता है इसका, अल्कोक्सी कार्बोनाइल होता है, अल्कोक्सी कार्बोनाइल होता है, बताओ सभी को याद आता है नहीं, चेक कर लो एक बार, कॉपी में चेक कर लो, याद होना चाहिए, ये सब याद होना चाहिए, चेक करते रहोगे तो कभी याद नहीं आ पाएगा, सब बिल्कुल याद होने चाहिए, एस्टर के बाद एसिटोनाइट्राइड, एसिटोनाइट्राइड तक आज कराना है, चेक कर लिया तुम लोगों ने, चेक कर लिया, अरे क्लियर है, सफिक्स ओ ए टी ई है या नहीं, सफिक्स देखो ओ ए टी ई है या नहीं, है ना, चलो तो सबसे पहले हमने मिथाइल लिख लिया है ना, अब क्या करने हैं, अब क्या करने हमें, प्रोपेन, प्रोपेन 1 O 8, क्या लिखेंगे, प्रोपेन 1 O 8, चलो इसमें एक और नेम मैं आपको कराता हूं, देखिए सी डबल बॉन्ड ओ है और ओ है, और यहां पर इथाइल लिख देता हूं, यहां पर बी आर लगा देता हूं, और यहां पर डबल बॉन्ड भी लगा देते हैं, है ना, अभी नेम देखते हैं क्या नेम आएगा, चलो तो अभी जब आप नेम लिखने चलेंगे तो आप देखिए नेम लिखने चलेंगे तो सबसे पहला काम क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप ढूंढने हैं, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एस्टर है, एस्टर में कार्बन कौन सा है, ये वाला किधर अटैच है, इधर, तो ये प्रिंसिपल चेन है हमारा,
नो डाउट ये प्रिंसिपल चेन है, नंबरिंग 1, 2, 3, 4 एंड 5, और ये क्या हो गया अल्काइल। तो अभी मैं पूछता हूँ क्या लिखोगे, ब्रोमो पहले लिखोगे या इथाइल पहले लिखोगे? तो हमने क्या बोला, अल्काइल को पहले लिखे हैं, चाहे अल्फाबेटिकली बाद में आए चाहे अल्फाबेटिकली पहले आए, उसको सब्स्टिट्यूशन के कैटेगरी में तो हम रख ही नहीं रहे हैं, वो सब्स्टिट्यूशन से भी पहले आता है। तो क्या लिख लूं हम लोग यहाँ पर, क्या लिख ले सबसे पहले, इथाइल लिख ले। अब हमारे पास आएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स में कौन सा है, बीआर है, तो क्या लिख लेंगे हम यहाँ पर, ब्रोमो लिख लेंगे। ब्रोमो कहाँ पर है, थर्ड पे है, तो 3 ब्रोमो। फिर क्या आ जाएगा, 5 कार्बन है तो क्या आ जाएगा, पेंटा आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा आपके पास, वर्ड रूट है ना, वर्ड रूट, और प्राइमरी प्रीफिक्स तो है नहीं। फिर प्राइमरी सफिक्स में आ जाइए, इन आ जाएगा, इन कहाँ पे है, 3 इन आ जाएगा, और सेकेंडरी सफिक्स में क्या आ जाएगा, ओएट आ जाएगा, तो 1-OATO8। अरे ये वाला सवाल का पूछ रहा हूं मैं, ये वाला सवाल का पूछ रहा हूं, तुम लोग कहाँ हो, क्लास में ही हो या कहीं और हो? मैंने ये सवाल लिखा, मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ ना, मैं तो यही सवाल बता रहा हूँ ना, मैंने बोला कि ये एक और सवाल कराता हूँ, देखो इस टाइप का, ये वाला थोड़ा लेंथी सवाल है, फिर करना ये वाला, मैंने ये सवाल करा रहा हूँ कि इस सवाल को देखो, तुम कहाँ भटके पड़े हो बताओ, अभी क्लियर है, मैं ये वाला सवाल करा रहा हूँ। चलो तो इस सवाल में क्या है, इथाइल है हमारे पास, तो हमने क्या लिखा, पहले इथाइल लिख दिया, इथाइल लिख दिया है, उसके बाद 3 पे ब्रोमो है, 3 ब्रोमो लिखा, ठहरो मैं फिर से लिख देता हूं, ठहर जाओ। पता नहीं मैं पढ़ा रहा हूं इधर, तुम किधर गायब हो। चलो देखो ये वाला सवाल बता रहा हूं, ये वाला सवाल का आंसर बता रहा हूं, देखिए इसमें ये प्रिंसिपल चेन हो गया और ये हमारा अल्काइल ग्रुप हो गया, तो सबसे पहले हमें यहाँ बीआर भी है, तो हमको बीआर हम पहले लिखे या अल्काइल पहले लिखे, मैं ये पूछ रहा था, तो हमें अल्काइल पहले लिखने हैं क्योंकि बीआर सेकेंडरी प्रीफिक्स है, और ये सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं सबसे पहले लिखा जाता है, ये अल्काइल सबसे पहले लिखा जाता है, इसलिए सबसे पहला चीज क्या लिखेंगे हम लोग, इथाइल लिख लेंगे। इथाइल के बाद देखो क्या आ गया, अब सेकेंडरी प्रीफिक्स देन प्राइमरी प्रीफिक्स देन वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स में देखो ब्रोमो है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो आ जाएगा। फिर क्या हो गया, देखो यहाँ पर कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है, डॉटेड। फिर यहाँ पर देखिए वर्ड रूट में कितने हैं, 5 कार्बन है ना, तो क्या लिखना है आपको यहाँ पर, पेंटा लिखना है। प्राइमरी सफिक्स में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे आप, 3 इन लिख लेंगे, 3 इन लिख लेंगे, और यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 1-OATO8 लिख लेंगे। अब सभी को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा नेम हमारे पास, इथाइल 3 ब्रोमो पेंट 3-ENO8, चाहे 1-OATO8 भी लिख सकते हैं। क्लियर है बताओ, अभी क्लियर है क्या, ये बताइए, ये क्लियर है सभी को, क्लियर है? चलो जल्दी से नोट करो इसको, जल्दी से नोट करो इसको। डन, ओके। चलिए अब आप ये सवाल कीजिए, तो इसको क्वेश्चन नंबर 1, इसको 2 कर लीजिए, और इसको क्वेश्चन नंबर 3 कर लीजिए। चलिए अब आप ये वाला सवाल कीजिए, मैं इरेज कर रहा हूं है ना। चलिए चलो अभी आप ये वाला सवाल करो,
जल्दी से करो, और बहुत सारे सवाल हैं अभी। यहाँ पे भी एक सवाल है। अच्छा, ये सवाल यहीं दे रखा है, गुड। ये सवाल करने हैं, ठीक है, करेंगे ये वाला सवाल भी। ठीक है, फिर ऐसे रहना, ड्राइड है। ठीक है, चलो जल्दी से करो ये वाला। इसके बाद एसिड एनहाइड्राइड, तो फिर खत्म हो चुका है, एसिड एनहाइड्राइड ही है ना इसके बाद बस। हाँ, एक आखिरी एसिड एनहाइड्राइड है, बस बस बस, और कुछ भी नहीं है। उसके बाद स्पेशल सफिक्स है, फिर नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन है, फिर कॉमन नेम है। चलो, हो गए सभी लोगों से, हो गए। इसीता तुम्हारा हो गया? हो गया, मैं डिस्कशन करूं या चल ही रहा है? हो गया, चलो ठीक है, आ जाइए। तो सबसे पहले प्रिंसिपल चेन ढूंढने हैं, तो आपको दिख रहा है प्रिंसिपल चेन कौन सा है, लेफ्ट साइड वाला हमारा प्रिंसिपल चेन है। 1 2 3 4 5 6 7, एकदम आसान सा सवाल है, कुछ भी नहीं है। बाकी ये क्या हो गया हमारा, ये वाला क्या है हमारा, अल्काइल का पार्ट है, तो इसको 1 डैश 2 डैश एंड 3 डैश। तो अब क्या करेंगे, तो पहले हमें अल्काइल का नेम लिखना है ना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2 डैश ब्रोमो, फिर प्रोपाइल, प्रोपाइल ये लिख लिया। अब क्या है, बाकी सेपरेशन लिखने हैं। देन 7 ब्रोमो, देन 4 मिथाइल, फिर कितने कार्बन हो गए, 7 कार्बन है, तो हेप्ट 2 इन 1 ओएट। बताओ सही है, बताओ ये सही है सभी का? प्रोपाइल, बताइए सभी है सभी का? सही है सभी का? चलो क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? गुड गुड। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं।
नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ अब ठीक है, हैप्टी बोला था मैं, तो रह गया लिखते लिखते, हो गए। अरे हो गए, चलिए आगे बढ़े। ये सवाल होमवर्क है, ये सवाल होमवर्क है, नोट करके रखिए होमवर्क के लिए। ये सवाल होमवर्क के लिए आप लोगों का, सवाल देख के डरना नहीं है, एकदम आसान सवाल है। चलो मैं करा देता हूँ, क्योंकि सब एस्टर एज ए सब्स्टिट्यूशन है ना, तो तुम लोगों ने नहीं किया होगा। तो अभी मुझे ये बताओ कि इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, बस इतना बता दो। ओए करेक्ट, बहुत अच्छे, गुड। ये सब्स्टिट्यूशन हो गया हमारा, ये सब्स्टिट्यूशन हो गया हमारा, ये सब्स्टिट्यूशन हो गया हमारा। नंबर यहां से करते हैं 1 2 3। अब इधर चले या इधर चले, तो हमें पता है कि अल्डिहाइड का कार्बन प्रिंसिपल चेन में काउंट हो सकता है, तो हम कहते चलो इधर भी चल सकते हैं। इधर चलेंगे तो 4 होगा, इधर चले 4 5, तो इधर क्या है, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, इधर नंबर ऑफ कार्बन क्या हो गए, कम हो गए। इसका कार्बन काउंट नहीं करना है, इसका कार्बन काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो काउंट होता ही नहीं है प्रिंसिपल चेन में अगर सब्स्टिट्यूशन बन गया तो। इसके कार्बन भी प्रिंसिपल चेन में काउंट होते ही नहीं अगर वो सब्स्टिट्यूशन बन गए तो। हाँ अल्डिहाइड का काउंट हो सकता है, मगर हमने देखा कि इधर चले तो हम चार ही का चेन होगा, इधर चलेंगे तो 5 का होगा, तो इसलिए किधर चलेंगे, इधर चलेंगे, इसको इलिमिनेट करेंगे। अब जब नेम लिखेंगे तो एस्टर का प्रेफिक्स क्या होता है, अल्कोक्सी कार्बोनाइल, अल सी कार्बोनाइल। अल्कोक्सी में ए एल के, अल्क का मतलब क्या है, वर्ल्ड रूट होता है ना अल्क, तो ये क्या है, 3 का 2 कार्बन है ना, तो ईथ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहां पर, इथॉक्सी, इथॉक्सी कार्बोनाइल। इसका क्या होगा, साइनो हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, फॉर्माइल हो जाएगा, FORMYL, फॉर्माइल हो जाए, क्योंकि अभी इसका कार्बन प्रिंसिपल चेन में काउंट नहीं हुआ है, तो क्या बोलेंगे, फॉर्माइल बोलेंगे। अब जब नेम लिखेंगे तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा हमारे लिए, तो 5-ethoxycarbonyl, 5-ethoxycarbonyl। देन क्या आ गया हमारे लिए यहां पर इस वाले में, हाँ साइनो, अच्छा साइनो भी है ना, सॉरी साइनो भी है, तो 4 साइनो लिखेंगे पहले, 4 साइनो, 5-ethoxycarbonyl, देन 3-formyl। कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो क्या आ जाएगा, पेंट आ जाएगा, डबल बॉन्ड नहीं है तो सिंगल बॉन्ड है सिर्फ, तो एन आ जाएगा, 1-OH एसिड। बताइए सही है, बताइए सही है, ये ई जो है बस स्मॉल कर लेना, करेक्ट है सभी का, बताओ ये सब सही है सभी लोगों का, करेक्ट है, बताइए करेक्ट है सभी लोगों का, नहीं करेक्ट नहीं हुआ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सवाल इतना टफ था, हो सकता है, ठीक समझ में आ गया, क्लियर है, ये बताओ क्लियर है, क्लियर है, हाँ क्लियर है, चलो ठीक है, सब्स्टिट्यूशन वाला क्लियर है, चलो कोई बात नहीं, चलो फिर आज की क्लास ही बंद करते हैं, बचा हुआ कल करेंगे, कल एसिड एनहाइड्राइड के साथ साथ हमारा एक दो केस है और है, वो करवा दूंगा। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे से नहीं लिखेंगे है ना, क्योंकि अगर एथर सब्स्टिट्यूशन बन जाता है तब अल्कोक्सी का यूज करना पड़ेगा है ना। चलो चलो फिर क्लास बंद करते हैं आज की, बचा हुआ कल करेंगे, ओके थैंक यू। इज इट पॉसिबल, नहीं ना बेटा, सुबह 8 से लेकर के कंटिन्यूअस 1:30 तक हमारी क्लास, 1:30 नहीं 3 PM तक क्लास है हमारी, उसके बाद ही खाली होता है, इस वजह से। वैसे मंडे से शेड्यूल चेंज होने वाला है, मंडे से शेड्यूल चेंज होने वाला है, तो मे बी आपका क्लास मॉर्निंग में हो जाए, है
है ना, मे बी आपका क्लास मॉर्निंग में हो जाए, उम्मीद रखो हो जाएगा, है ना, चलो हो जाएगा, मंडे तक कीजिए बस। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय।